मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन अल्लू अर्जुन फाइट सीन फ्रॉम द मूवी जुलाई। इसके पहले का जो सीन था वो ब्लॉक हो चुका है, पता नहीं ब्रह्मानंदम कॉमेडी जो सीन है वो ब्लॉक हो रहा है, पहले भी हो चुका है एंड दिस इज द सेकेंड वन जिसमें उसने आके प्रपोज भी किया है इलियाना ने आके एंड बहुत सी चीजें हो चुकी थी वो सीन में, वो ब्लॉक हो चुका था। आई एम सो सॉरी फॉर इट। अब मैं ये फाइट सीन पे रिएक्ट करने वाली हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नायको, वेलकम टू माई चैनल लखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो सर। यार रवि की फैमिली कौन सी है? चलो ले जा रहे हो ले जा रहा हूँ। ये ट्रैवल चल रहा है क्या? छोड़ो मुझे। चलो ए इन्हें अंदर लेके जाओ, अगर तुमने किसी को बताया तो जान ले लूंगा। छोड़ो चलो। मतलब ये फैमिली को उठा के लेके गए। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ, देखो रवि स्टेशन चलो। क्या मैं बात कर रहा हूँ ना रवि? एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। ओ,
ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे, चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी जरूरत। मैं हूँ ना, सब संभालूंगा, चलो। ओ नो, ये तो अनजाने में हुआ ना उससे। रवि कहाँ है? रवि, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ सर? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा कैसे हैं सर? कहा ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखिए, मुझे सच बताइए प्लीज। रवि चलो, रास्ते में बताता हूँ। ये आपका दामाद है जो इसे ले जा रहे हैं? ये एक मुजरिम है। एक घंटे में वापस लाता हूँ। ये रूल्स के खिलाफ। यू हेल्प विद द रूल्स। ये मेरा स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो रजिस्टर में क्या लिखो ये भी बता दीजिए। लिख दो कि मैं अपनी गारंटी से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, चलेगा? आओ बेटा। राची, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड़ जाएगी। उस रोज अगर तुमने 10,000 रुपए न लिए होते तो मैं सुकून से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता। तुम्हारी माँ रसोई में पकौड़े तल रही होती। बहन टीवी देख रही होती। असली कमाई तो वही थी बेटा, वो तुम्हारे 1,00,000 रुपए से लाख गुना बेहतर थी। सुकून था। 60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से भागती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं, ये बात तुम जानते हो। फिर 2 घंटे में 10,000 का 1,00,000 बनाने का लॉजिक क्यों ढूंढ लिया बेटा? कोई भी बैंक 10,000 का 1,00,000 नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो तेरा ये बाबा 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल ना था। ऐसा जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से लौट जाता है। जब भी सोचता हूं तुम में और बिट्टू में कोई फर्क नजर नहीं आता। तुम्हें 1,00,000 चाहिए था, उसे 1,00,00,000 चाहिए था। नंबरों में भले फर्क हो, मकसद में नहीं था। नहीं बाबा, बात बुरी लग गई। अच्छा बताओ, तुमसे 1 बार गलती हो गई, हुई थी ना, अब वैसे ही हालत फिर तुम्हारे सामने है, क्या करोगे? वही गलती फिर दोहराओगे या सबक लेकर सही राह चुनोगे? आप क्या चाहते हैं बाबा? एक बार धर्मराज ने जुआ खेला था, तब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। उस रात 10,000 के तुम्हारे जुए ने तुम्हारी जिंदगी को मौत के करीब पहुंचा दिया। जाओ युद्ध करो। और सुनो, मेरे 5,00,000 रुपयों के लिए नहीं, मेरे जैसे साधारण टीचर, क्लर्क, सुपरवाइजर के लिए, जिन्होंने बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के बाद घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, वो उनके उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे, उनके लिए जा और पूरे 1,500 करोड़ लेकर आ। और तब तू कहना तेरा मकसद बिट्टू से अलग है। शहर के पूर्व MLA और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया है। अभी आया इस केस के बारे में तुम फिक्र मत करो। ACP के मर्डर केस से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं है। मरा नहीं? जब ACP हमारे घर पर आया था तब उसने फोन पे क्या कहा? कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। मतलब कार में ड्राइवर था। आप कहते हैं ACP मर गया तो कार में 2 बॉडीज होनी चाहिए थी। कितनी? 2। और कितनी थी? 1 ही थी। मतलब जो गया वो ड्राइवर था। जब हम बाहर निकले तो जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा था? मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। वरदराजन कल ही मर चुका था और ये उनसे बात कर रहा था। वरदराजन मर गया, ये तुम्हें कैसे पता? हॉस्पिटल से निकलते वक्त टीवी पर देखा था सर। शहर के पूर्व MLA और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया। पर इन सबसे ACP का क्या लेना देना? जब हम डंप यार्ड में पहुंचे तब शायद उस ACP राज को पैसों का कोई सुराग मिल गया होगा।
अगर मेरा शक सही है तो एसीपी उसी रात को पैसे निकालने के लिए डंप यार्ड गया होगा और उसे जरूर वो पैसा मिल गया होगा। पिट्टू जब बाहर आएगा ना हम सब मिलके बराबर बराबर बांट लेंगे। बिट्टू की तो अभिलाषी जेल से बाहर आएंगे। ये सारा पैसा अपना है लेकिन बिट्टू जेल से फरार हो जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। वरदराजन और एसीपी के इस गेम के बारे में बिट्टू को पता चल गया होगा इसलिए उसने वरदराजन को खत्म किया। तो उसने एसीपी को क्यों छोड़ दिया? पैसों के बारे में एसीपी जरूर जानता होगा और वही बता सकता है पैसा कहाँ छुपाया है। तभी तो बिट्टू ने ये चाल चली है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में उड़े परखच्चों की वजह से तुम्हें पता चला कि विलन कौन है, लेकिन एसीपी और वरदराजन आपस में मिले हैं ये बिट्टू को कैसे पता चला? जैसा मैं सोचता हूँ बिट्टू बिल्कुल वैसा ही सोचता है, लेकिन इस वक्त उसकी सोच मुझसे 24 घंटे आगे है, वरना आज बाबा हॉस्पिटल में ना होते, राजी किडनैप ना होती और मैं लॉकअप में ना होता। सर मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा उसे। पर कैसे? ₹1,500 करोड़। बिट्टू मेरा आधा हिस्सा कभी देगा? अभी देता हूं। ये बिट्टू तो बड़ा ही निर्दयी इंसान है यार। खटाफट पैसा ले जा रहा था, बोझ ही नहीं संभाल पाया। कोटे, इससे हमें एक बात समझ में आती है, पैसा चुराने से ज्यादा पैसा ले जाना मुश्किल है। मरी क्यों? क्या बिट्टू को फोन कर। ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है, कोई करा रहा है। ये भी स्मार्ट है। 3 कंटेनर मंगाओ और पैसा एक पर लाद दो, उस इससे पहले कि वो समझे कि पैसा किस कंटेनर में है। शिप पे लाद के देश से निकल जाओ। और तुम? इंडिया में एक तुतुकोरिन एयरपोर्ट है, अजीब नाम है ना, वहां से श्रीलंका 10 मिनट दूर है। तुम पैसा लेके शिप से जाना और मैं फ्लाइट से जाऊंगा। फिर इस लड़की का क्या? देवा,
क्या क्या नहीं हो गया इस सीन में। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अल्लू अर्जुन का दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उसने नहीं वो मरा नहीं है वो जिंदा है, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसे किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, ऑल दोस थिंग्स नहीं, उसने जो कैलकुलेशन किए कि एसीपी मरा नहीं है करके, बाद में तो मर गया बेचारा पैसों के बोझ के तले, अब उसका इल्जाम किस पे आता है वो नहीं जानती मैं, बट बेचारे इस पे तो उस चीज का इल्जाम आ गया कि उस मोबाइल फोन का कंट्रोल पे था सारी चीजें, राइट, सो बिकॉज ऑफ विच उसको अरेस्ट किया गया। एंड उसके पापा बहन किडनैप्ड है, आई होप वो उसको कुछ नहीं करेगा, पापा बच गए हैं थैंकफुली, एंड ट्रैवल वाला भी अभी चला ही जाएगा टोटली, और ये सारी चीजें हो रही है वो पैसों के पीछे, इसने भी ईमान भेज दिया एसीपी ने, क्या क्या नहीं हो रहा है। बट वो फाइट सीन बहुत मजेदार था जहां पे उसने इसके पेरेंट्स को लेके छुपा था, वो एक कर्टन टाइप जो बना हुआ था उसके पीछे, उसने नीचे से सिर्फ फुटवेयर देख के पहचान लिया कि कौन कहाँ पे खड़ा है क्या, एंड उसने वहां से फिर पंच मार दिया, एंड इशारों में पता चला उसको सामने वाले ने इशारा किया कि वो वहां पे, एंड उसने जाके वहां से बराबर उठा लिया। सो दिस इज समथिंग आई फील वाओ कि इसने क्या मस्त दिमाग लगाया है थ्रू आउट द मूवी। मेरे को एक चीज अच्छी लगी अल्लू अर्जुन का प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिस तरीके का दिमाग उसने लगाया, एक नंबर, मजा आ गया मुझे ये देख के। तो ये मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले चा बाय।